हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ममाजिंडा गार्टन फ्रेंड्स आज मैं शेयर कर रही हूँ स्वीट पटेटो चाट बनाने की रेसिपी रेसिपी बहुत ही सिंपल है और टेस्ट तो इतना यमी होता है कि बच्चे भी इसे उंगलियाँ चाट चाट के खाते हैं तो यहाँ पे स्वीट पटेटो चाट के लिए मैंने यहाँ पे तीन शकरकंदी ले ली है और तीन ही मैंने आलू भी ले लिए हैं आलू मैं डिफरेंट पर्पज़ के लिए ले रही हूँ चाट में केवल शकरकंद की ही बनाने वाली हूँ तो शकरकंद को सेकने से पहले मैं फॉक्सर से, से छेद कर लूँगी क्योंकि बड़ी साइज़ की शक्करकंदी है चाट बनाने का जो फर्स्ट स्टेप है वो है शकरकंद को सेकना सेकने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं यहाँ पे मैं बाटी वाला ओवन इस्तेमाल कर रही हूँ सेकने के लिए बाटी वाले ओवन की ऊपर की जाली मैंने हटा दी है और नीचे वाले सरफेस पे मैंने शकरकंद और आलू को सेकने के लिए रखा है हमें सिर्फ फ्रिक्वेंटली इस तरह से पलटते रहना होता है लगभग पाँच दस मिनट के अंतराल में हम इस तरह से पलट लेंगे ताकि वो एक तरह से साइड से पक गया हो तो दूसरी साइड से भी अच्छे से, से सिक जाए और गैस का फ्लेम यहाँ पे ना एकदम लो रखना है ना एकदम हाई रखना है मीडियम फ्लेम पे हम इसे सेक रहे हैं हमें संभालते रहना है क्योंकि सबकी साइज अलग अलग होती है तो सिकने की टाइमिंग भी अलग अलग होती है जो जिस तरह से सिकती जाती है उसे हम निकाल लेना होता है शकरकंदी जब ऑलमोस्ट सिकने की स्टेज पे आ जाएगी उस टाइम पर ग्रीस कर देंगे चारों तरफ से हल्का हल्का ऑयल लेके ब्रश में और ग्रीस कर देंगे इस तरह से ऑयल की ग्रीसिंग स्टार्टिंग में भी की जा सकती है इस तरह से ऑयल से ग्रीस करने से जो छिलका है वो आसानी से निकल जाएगा तो यहाँ पे हमारी शक्करकंदी अच्छे से पक चुकी है अंदर तक सेक चुकी है ये चूँकि ये चाट गरम गरम खानी है इसलिए इसे छिलना भी गर्म गर्म पड़ेगा तो जब हाथ जलने लगे तो इस तरह से फॉक की हेल्प से हम इसे आसानी से पील कर सकते हैं अगर बाटी वाले ओवन में नहीं सेकना हो तो तवे पर डायरेक्ट गैस पर जहाँ जिस पे हम पापड़ सेकते हैं उसके ऊपर भी इसे सेका जा सकता है एक टिप मैं यहाँ देना चाहूँगी शक्करकंदी को जब आप सेक लेते हैं पील कर लेते हैं तो चाट के लिए इंक्लूड करने से पहले थोड़ी थोड़ी शक्रकंदी को टेस्ट कर लीजिएगा क्योंकि कई बार शक्रकंदी का टेस्ट ख़राब आ जाता है और अगर हम बिना टेस्ट करें उसे इंक्लूड कर देते हैं चाट में तो हमारी चाट का टेस्ट एकदम खराब हो जाता है तो आप चाट बनाएँ उससे पहले जिस टाइम आप पील करें उस टाइम इंडिविजुअल शकरकंद को टेस्ट कर लीजिए कहीं वो ख़राब तो नहीं है तो शकरकंद यहाँ पे छिल चुकी है आप चाहे तो इसे मैश कर सकते हैं चाहे तो इस तरह से चक्कू से काट के भी चार बनाई जा सकती है तो आप देख सकते हैं शक्करकंद में से भाप निकल रही है एकदम गर्मा गर्म शक्करकंदी है इस मोमेंट पे हम इसमें मसाला ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ काला नमक काली मिर्च पाउडर ये है पिज़्ज़ा स्पाइस हर्ब इसमें काली मिर्च औरगैनो और चिली फ्लेक्स तीनों का कॉम्बिनेशन है और एक डिफरेंट तरह का ही इस में फ्लेवर भी आता है उसकी वजह से बहुत टेस्टी लगता है और यहाँ पे मैंने बटर लिया है जिसे एकदम छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके भी इसके ऊपर इंक्लूड किया है चाट के ऊपर धनिया पत्ती को स्प्रिंकल कर दिया है फ्रेश कोरिएंडर लीव्स हैं लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल किया है ऊपर से हल्का सा सेंधा नमक डाला है भुना हुआ जीरा पाउडर भी मिक्स किया जा सकता है और सबसे लास्ट में लेमन स्क्वीज किया है तो तैयार है हमारी स्वीट पटेटो चाट चटपटी स्वीट पटेटो चाट को देख कर आ गया ना मुँह में पानी अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।